वो लोग भी बाइक से जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हम होप करते हैं आप ठीक होंगे। और आज हमारा प्लान है, हम नोएडा से हरिद्वार जा रहे हैं, और वो भी बाइक पे जा रहे हैं। बाइक की जर्नी आपको पता है, हम लोग बाइकर्स हैं। तो हम लोग बेसिकली आज हम वीडियो स्टार्ट, हम एक नया चैनल हम बना रहे हैं, और हम नया पहला व्लॉग है, और पहला व्लॉग हम भगवान से शुरू करना चाहते हैं। तो हमारा पहला ट्रिप हरिद्वार का ही है। तो और बहुत लोग ये भी पूछते हैं, बहुत हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये भी पूछते हैं हमसे कि भाई क्या मतलब कितना पैसा लग जाता है जाने आने में, क्या कॉस्टिंग आ जाती है, क्योंकि बहुत ऑफिशियल ऑफिस वाले लोग होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है। वो लोग भी बाइक से जाना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आता कैसे जाना है और क्या कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे, उन्हें नहीं पता होता। तो आज हम जा रहे हैं, हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि हम जो बजट है वो लास्ट में ही बताएंगे कितना होता है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आई होप कि हम आपको अच्छे व्यूज़ दिखा सकें। ओके, पर सर कैसा लग रहा है आपको? मोहजिंदीपुर क्या है, मोहजिंदीपुर पहुँच के कैसा लग रहा है आपको, और बाइक ड्राइविंग करते कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत मज़ा आ रहा है, और माहौल भी, और यहाँ का टेम्परेचर भी ठीक चल रहा है, इतनी गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं है। और अभी तो हम बहुत ज़्यादा पास पहुँचे नहीं हैं, काफ़ी अपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 किलोमीटर का भी ट्रैवल करा है। और आप जैसे यहाँ का सीन देख रहे हैं, या पानी है, आप रात जी आप दिखाई पर देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे नदी है, इसे छोटी नदी भी कहा जाता है, छोटी गंगा सॉरी। जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, ये एक बात है भाई, भाई सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे मत करना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, निकले हैं हम सैटरडे को, सैटरडे को लोग दारू पार्टी करते हैं, और हम यहाँ पे आपके लिए शिव दर्शन पे जा रहे हैं भाई। हम शिव दर्शन पे, हम हरी के द्वार जा रहे हैं, तो भाई हरी के नाम पे एक लाइक बनता है, और हरी भाई आप भी एक लाइक कर देना, लाइक करना ना भूले वीडियो को, जल्दी रहनी चाहिए साथ साथ भाई।
किलोमीटर बाइक चल चुकी है। अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं बाइक को। कैब क्यों रहा कैब? क्या बात होगी? क्या करें? क्या बात? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, तुम केले खड़े हो ना यहाँ, इसलिए हो ही रहा। वो है केले ही हो तो मैं चाचा ही चलते हैं। अच्छा तो शिवम जी आप क्या खा रहे हो, हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे आप? हम यहाँ रुक के चाट खा रहे हैं, जहाँ यहाँ पे बढ़िया ये चाट भंडार है, चाट बहुत अच्छी है। आप लोग जब भी आओ इस चाट भंडार से ज़रूर चाट खाना, बहुत टेस्टी चाट बनी हुई है। बाकी आप हमारे पीछे देख सकते हैं मंदिर है, ये लैंडमार्क है, यहाँ लैंडमार्क है। और अभी हम हाईवे के रास्ते पे है नहीं, हम हाईवे से दूर है अभी, तो इसलिए मंदिर रास्ते में पड़ा हुआ है। अगर हाईवे पे हम चढ़ते तो हाईवे के रास्ते पे आपको मंदिर नहीं दिखता। ये रही गंगा जी बहते हुए, और ये यहाँ का कैसे हो आप लोग। अभी हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अभी हम अपने लिए रात का स्टे करने के लिए एक रूम देख रहे हैं जो हमारे बजट में आ जाए, हमें बस रात रात को स्टे करना है। बाकी अभी हम फिर सुबह आपको एक्सप्लोर करेंगे कि हम हर की पौड़ी जाएंगे और गंगा जी के पास जाके थोड़ा स्नान करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको। नीचे वाले ठीक था, ऊपर लेना तो रूम जैसे मर्जी, नीचे कोई आ रहा है क्या? नहीं कोई नहीं, आप तो नीचे वाले रूम रुक जाते। मेरी कमरे में पेड़ लगी हुई है तो जी कोई बात नहीं।
ये मेरे दोस्त कंपनी की प्लेट लगी हुई है रूम में। सो गाइस ये हमारा रूम, ये टीवी जो चलता ही नहीं होगा शायद, चलता है, वाईफाई भी चलता है, वॉशरूम भी कम, वॉशरूम इंग्लिश पॉट है। पीस गीजर नहाने के लिए जो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम सुबह नहाएंगे हर की पॉली। चलो आओ तुम भी चलो। अरे यार सो गाइस फाइनली हम अपने रूम में पहुंच गए हैं। ये हमारा रूम है जैसा कि आप देख सकते हो, देखेंगे मार्केट में क्या क्या है हिसाब किताब। ये मेरा फ्रेंड जो बाइक चलाते हो मुझे लेकर आया है 4-5 घंटे नॉन स्टॉप बाइक चलाते हुए। प्रो बाइकर, प्रो बाइकर है मैं, ये प्रो बाइकर है मैं नहीं। सो ये रूम है हमारा। और मैं एक इस वीडियो में बोलना चाहूँगा कि जो भी जिसको भी बाइक चलाने का शौक है और मतलब वो भी राइड करना चाह रहा है, कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी कि, और अगर वो नोएडा में रहता है और कंटिन्यूस कभी उन्होंने अगर बाइक नहीं चलाई है, तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर वो नोएडा में रहते हैं तो वो पहले नोएडा से मूर्थल तक बाइक चलाएं और वहाँ से वापस आएं, ताकि उनको बाइक चलाने की हैबिट पता चले कि कितना लंबा टूर होता है। क्योंकि नोएडा में जो रह रहा है, मैं खासकर ये नोएडा वालों के लिए बोल रहा हूँ कि जो नोएडा में रहते हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ से नोएडा से हरिद्वार 212 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है और नॉनस्टॉप कम से कम और 4-5 घंटे चलानी पड़ेगी। हाँ बेसिकली हमने दो स्टे लिया था बीच में, एक 5 मिनट का एक 10 मिनट का, उसके बाद हम कंटिन्यू चलते रहे। तो जो भी और बाकी जो चलाते हैं उनको तो पता ही है, कोई हरिद्वार कोई नई जगह तो है नहीं, तो बाकी बस हम आपको खाली यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे कि हम यहाँ से हरिद्वार तक आए थे और ये सब, हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करके आपको जितनी हो सकती है उतनी करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा हम आपको दिखाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना है, बहुत लोग होते हैं मैं भी था एक तरह से ऐसे मत करना कि आगे बढ़ा के देखने लग जाए तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, कंटिन्यूटी में देखोगे तो मज़ा आएगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या बजट रहा, क्या कॉस्टिंग रही, कितना हमने एक्सप्लोर करा, तो वो सब चीज़ हम आपको लास्ट में बताएंगे। और हम हरिद्वार आए तो हरि भाई सब्सक्राइब जरूर करना है। अशियम जी बताइए हम कहाँ जा रहे हैं अब? बस अभी थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, थोड़ा सा ऐसे रात हो गया है तो हम जितना हो सके उतना दिखाएंगे कि हम मार्केट कितने बजे तक खुली हुई है और क्या क्या है इस मार्केट में। मैं भी कुछ पहली बार ऐसे मार्केट में घुस के आया हूँ तो देखते हैं, आगे आपको दिखाते रहेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। हम वापस अपने रूम में आ चुके हैं और ये सो चुका है, ये बहुत ज़्यादा थक गया है। वैसे भी हम बहुत लेट थे यहाँ आने में, तो मोस्ट ऑफ शॉप्स क्लोज हो गई थी, तो जितना एक्सप्लोर हो सका हमने उतना एक्सप्लोर करा, जैसा कि आप वीडियो में देख ही लोगे। तो बाकी की चीज़ें जो है वो हम मॉर्निंग में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और आप मुझे देख के पता चल रहा होगा आपको कि मैं कितना थक गया, मुझे भी नींद आ रही है। तो बाकी की चीज़ें अब हम आपको कल दिखाएंगे। सो गुड नाइट।